पहाड़ की ज़िंदगी बहुत कठिनाई की ज़िंदगी है, बहुत टफ ज़िंदगी है साहब पहाड़ की। किसान को पानी अवेलेबल नहीं होता है तो फसल काहे से पैदा करेगा वो, बिजली हुई, पानी, सड़क, सभी चीज़ की असुविधाएँ हैं साहब यहाँ। समस्या है पानी की, जो दो दो किलोमीटर दूर से भी पानी लाते हैं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ तो। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी के टाइम, वो दिक्कत ऐसे हो जाती है गर्मी में स्रोत कम हो जाते हैं तो हमें काफ़ी दूर दूर से पानी ढोल के लाना पड़ता है। गांव को लेकर सपना तो यह है कि यहाँ इतनी चहलकदमी हो जाए, इतना खुशनुमा ये बन जाए यहाँ का वो, कि हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर चाहते तो ऐसा है कि कुछ ऐसा बन जाए यहाँ। When we started our work in Mukteshwar a decade ago in Uttarakhand, we found that the region is suffering from multiple problems spanning from water, agriculture and energy access. This is how we felt that we need to come up with an integrated approach which is sustainable in nature. In this endeavor, Container Corporation of India and IRCTC through their corporate social responsibility program supported our cause to benefit the community in Uttarakhand and Himachal Pradesh. बरसात में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है लेकिन गर्मी में बहुत पानी की परेशानी रहती है, तो यही सोच टेरी की बनी कि हम क्यों ना इनके बरसात का जो पानी बह रहा है उसको रोकें, और उसी पानी को रोकने के लिए वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए गए। एग्रीकल्चर बीइंग द मेन लिवलीहुड, तो हम कोशिश करते हैं कि जो यहाँ नेचुरल बॉटलनेक्स हैं उनको फाइट करने के लिए जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जैसे आप ये रोजमेरी देख रहे हैं, इस तरीके के सॉल्यूशंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ डेवलपमेंट जाए। पॉली हाउस का जब हमने इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में किया था तो एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसका ये आया कि लोगों ने उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि यहाँ ठंडा इलाका है तो नर्सरीज काफ़ी लेट तैयार होती थी। अगर हम आज गांव में जाके देखें तो जो उनका यूज़ है, लोगों की नर्सरी ऑलरेडी प्लांटेशन के लिए रेडी है, तो एक महीना पहले क्रॉप मार्केट में आएगी तो उसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली बहुत हायर साइड उनको मिलेगा। जब ये पॉली हाउस बने, टैंकियाँ बनी, इससे हम अब बेमौसमी सब्जी पैदा कर सकते हैं, क्यारियों में डाल सकते हैं, कुछ भी पैदा कर सकते हैं इससे, क्योंकि इससे हमें पूरी राहत मिलेगी। गुजारिश करूँ कि आप लोग 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में बढ़िया रहे और हम कोशिश करूँ कि अपन जो खेती बाड़ी संबंधित जुड़े समस्याएं हैं उनको हम संबंधित अधिकारी तक पहुँचूँ। तो इसी क्रम में एक श्रोता और हमारे साथ जुड़े हैं,
तो वो क्या कहते हैं, उनको जोड़ते हैं अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं कुमावाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो जड़ी बूटी पर आधारित जानकारी दी जी, इसे थोड़ा सा आपसे एक मदद और चाहिए। जो आड़ू पे रोग आ जा रहा है आजकल पत्ता मुड़ा, उस पर अगर आप लोग जानकारी दिला सके। इसकी जानकारी अपने किसान भाइयों को कुमावाणी के माध्यम से देने के लिए आज हम पहुंचे हैं CITH पे, और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जी। अगर बगीचे में किसान भाइयों को अगर कीट से होने वाला पत्ता मुड़न रोग अगर दिखे तो हम लोगों को जो है एक बात का ध्यान रखना है कि केवल कीटनाशक का उपयोग करना है। तो धन्यवाद बहादुर जी और डॉक्टर अनिल कुमार जी के कि उन्होंने जो हमारे श्रोताओं की समस्या का समाधान करा। पहले तो ताकत थी, अब ताकत है भी नहीं। अब जब से टेरी का चूल्हा मिला तब से तो हमको बहुत आराम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ी लकड़ियों से हो जा रहा है। जिस हिसाब से हमारे गांव है उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा गांव सब गांव से बेहतर गांव है। जो रेस्पॉन्स हमें इन दो गांव में मिला है उसको देखते हुए जो लोगों की खुशी है या जो उनकी प्रॉब्लम का समाधान हुआ है, लेकिन बहुत छोटे एरिया में अभी ये हम कर पाए हैं और इसको बड़े स्केल पे हमें करने की ज़रूरत है। हमारा एक गोल भी अब हमने इसे बनाया है कि हर साल एक मॉडल विलेज बनाएंगे और इसी सीरीज़ में अभी हम अपने एफर्ट्स को हिमाचल तक ले जा रहे हैं, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे देश के हैं उनके लिए मॉडल काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है और उनकी समस्याओं का एक होलिस्टिक समाधान हमें मिल सकता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ष उत्तरांचल के अलग अलग हिस्सों में या देश के अलग हिस्सों में जहाँ भी आवश्यकता हो हम इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकें।